आइए, आपका स्वागत है। अभी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नींद के बारे में कि नींद क्या होती है। देखिए, नींद जो है ना वो हर प्राणी मात्राओं में एक जरूरी चीज है, और ह्यूमन बीइंग जो है उसको तो जरूरी ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है नींद। और नींद के बारे में हमें पूरी जानकारी है नहीं, तो उससे बात करते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मानसिक बीमारी में पहला लक्षण जो होता है वो होता है नींद नहीं आना, पर नींद गायब हो जाती है। और मानसिक बीमारियों में जो दवाई दी जाती है वो दवाइयों से नींद आती है। नींद जहां से कंट्रोल होती है ब्रेन में, तो ब्रेन का वो हिस्सा, और जहां से इमोशन कंट्रोल होते हैं वो हिस्सा, वो काफी ओवरलैप होते हैं आजू बाजू में, और काफी ओवरलैप है। इसलिए जब जब इमोशनल प्रॉब्लम आते हैं नींद गायब हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं। नींद के बारे में हमको पूरी जानकारी है नहीं, मगर हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा हम नींद में डालते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे हम सोते हैं, तो 1/3 एक तिहाई हिस्सा हम सोते हैं हमारे जीवन में। और इसमें होता क्या है कि भावना, विचार और शरीर, इसमें गड़बड़ हो जाती है नींद नहीं हुई तो। मतलब नींद पूरी नहीं लिया तो भावना, विचार और शरीर, इसमें प्रॉब्लम आते हैं, बदन में प्रॉब्लम आ जाएगा। और वो प्रॉब्लम आता है इसलिए जरूरी है नींद लेना। नींद यूजुअली 6 से 8 घंटे नींद लेना नॉर्मली आवश्यक है हर इंसान को, किसको 6 घंटे किसको 8 घंटे। मगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको 4 घंटे से भी ठीक लगता है और 4 घंटे हम सोते, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। मगर पता नहीं वो दिन में बीच बीच में वो झपकी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो यूजली एवरेज लोग 7 घंटे सोते हैं। नींद में वातावरण से मिलने वाली जो उत्तेजना है, मतलब स्टिम्यूलाई जो है, तो वो कम हो जाती है। वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है उसका जो अपने दिमाग के ऊपर, कान के जरिए, आंखों के जरिए जो भी आता है दिमाग के ऊपर, वो पूरा कम हो जाता है। मगर इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मालूम नहीं होता, क्योंकि हम सोते हैं और अलार्म बज गया तो हमको जाग आ जाती है। मतलब वातावरण की स्टिम्यूलाई जो है, जो भी वहां से आवाज आ रही है, जो भी लाइट आ रहा है, जो भी है, होता कम मगर उसकी जानकारी होते रहती है। कोमा में, मतलब बेहोश में ऐसा नहीं है। यदि आदमी बेहोश रहा तो उसको कुछ सुनाई नहीं आएगा। तो नींद की ऐसी आवश्यकता है, ऐसी स्थिति है कि वहां से, मतलब बेहोशी नहीं है, क्योंकि इससे जल्दी जागरूकता आ सकती है फटाक से, और ऑटोमेटिकली आदमी जागरूक हो जाता है, बेहोशी में नहीं होगा आदमी। तो नींद और बेहोशी अवस्था अलग अलग है। नींद में बाहर की दुनिया की जानकारी होती नहीं है, मगर बेहोश में बाहर की दुनिया की जानकारी होती नहीं है, मगर और बाहर में कुछ भी हो तो मालूम नहीं पड़ेगा। मगर बहुत इंटेंस स्टिम्युलाई आ गया बाहर से तो नींद में आदमी उठ जाएगा। नींद में जो भी कुछ हुआ बाहरी दुनिया में तो वो समझेगा नहीं, मगर उसको ये पता रहता है कि कुछ तो भी हुआ है और मैं सोया था। बेहोशी जो आदमी रहता है कोमा में, उसको ये मालूम नहीं रहता कि अपन कोमा में थे। नींद वाला आदमी जो, उसको मालूम रहता है कि मैं नींद में था और मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है कि उस समय क्या हो गया। तो नींद की ऐसी अवस्था है कि जहां बाहर की दुनिया से जो भी कुछ स्टिम्युलाई आ रही हो मालूम नहीं है, कम हो जाती है। बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया तो उसको जाग आ जाएगी, कोमा में होता नहीं है। और नींद में जो भी कुछ हुआ उसके लिए उसको याद रहता नहीं है, ख्याल रहता नहीं नींद में हुआ। जब नींद आती है तो लोगों को मालूम होता है कि मुझे भी नींद आ रही है। कोमा में जब बेहोश है तो मालूम नहीं होता कि अपन कोमा में जा रहे हैं। लोग सुस्त हो जाते हैं नींद आने के पहले, और जब नींद हो जाती है उनको पता लगता है कि मैं नींद में था और मेरी नींद हो गई, ऐसा उसको मालूम पड़ता है। नींद दो प्रकार की होती है, एक है REM स्लीप और दूसरी है NREM स्लीप। REM इसका मतलब होता है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो REM स्लीप जो है उसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम निकाला, मतलब EEG निकाला, तो EEG जस्ट लाइक नॉर्मल वेकिंग स्टेट दिखता है, कि नॉर्मली अवेकन जैसा आदमी रहता वैसे दिखता है वो। और NREM स्लीप जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है उसको ऑर्थोडॉक्स स्लीप भी बोलते हैं। और उस समय यदि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमने देखी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी एकदम डाउन, एकदम कम है, और EEG भी एकदम लो में इसमें आ जाएगा, एकदम स्लो EEG दिखेगा। EEG की एक्टिविटी जो है वो एकदम स्लो दिखेंगी, उसमें थीटा डेल्टा वेव्स बहुत ज्यादा दिखेंगी, और EEG अलग दिखता है NREM स्लीप में। तो ऐसी ये दो अवस्थाएं स्लीप की। अब हम आगे की वीडियो में जानकारी देंगे।
REM, NREM होता क्या है, अच्छी नींद कैसे होना चाहिए, ड्रीम्स कैसे आते हैं, और नींद अच्छी आने के लिए, अच्छी नींद होने के लिए क्या करना चाहिए, सब बातें मैं आप अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी इतना ही है कि 6 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी है। नींद ऐसी अवस्था है कि जो सबको जरूरी है। नींद यदि नहीं लिया तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विचारों के प्रॉब्लम आते रहते हैं, और तंदुरुस्त यदि फिट रहना है तो 6 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी ही जरूरी है। नींद ऐसी अवस्था है कि जिसमें बाहरी स्टिम्युलाई जो है, बाहर की जो वातावरण से जो भी कुछ आ रहा है उसकी जानकारी कम हो जाती है, और जल्दी आदमी वापस नॉर्मल स्टेट में उठ के तैयार हो सकता है, मगर उसको याद नहीं रहता कि उसमें हुआ क्या। तो अभी इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।